हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल, और ये हमारी इस गेम प्ले सीरीज का पार्ट 4 है। तो इसके पहले वाले हम गेम में काफ़ी 7 डेज खेल चुके हैं इस गेम के, मतलब ये आज है संडे और डे 7 है जब हमने स्टार्ट किया था, तब से लेकर आज तक 1 वीक हो चुका है और हमने ये कॉड EQ7 खरीद लिए गाइस। और इसको हम ड्रिफ्ट मारते हुए पहुंच चुके हैं अपने कंटेनर पे। ये हमने जस्ट ही खरीदी थी, तो इसे कुछ रिपेयर विपेयर कराने का हमें ऑप्शन नहीं मिल पाया, मतलब टाइम नहीं मिल पाया। बट हम अब नाइट हो चुकी थी तो इसे लेकर पहुंच चुके अपने कंटेनर पे। अब चलते सोने के लिए, आज का देखना पड़ेगा क्या हुआ है। 3900 का हमारा प्रॉफिट है आज का रिजल्ट में। तो ऑल दैट गाइस, डे नेक्स्ट। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है मंडे और आज है डे 8 ऑफ आवर गेम, मतलब हमारे बिजनेस का गेम 8 है। और ये कार हमने लास्ट टाइम खरीदी तो नाइट हो चुकी थी, इसलिए हम इसे रिपेयर नहीं करवा पाए थे। तो अभी कुछ डैमेज भी है, कुछ पेंटेड का काम भी बचा है और डर्टी भी है। तो इसे हम लेकर चलते हैं सर्विस सेंटर, वहीं पे इसे करवाएंगे फिक्स। तो अभी भी ड्रिफ्ट मारते हुए चलते हैं। हमारी एक और कार हमने लास्ट टाइम ली थी, तो वो कार भी हमारे ऑफिस में खड़ी है फिलहाल। BMW ली थी हमने, सीरीज 1 थी आई थिंक वो। ऑफिस जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि नेबरहुड चलते हैं, सो मैंने टर्न कर ली कार। और हमारे पास जो अभी है, अभी अमाउंट जो बचा है $4,326, तो ये ग्रीन टाउन है गाइस, वेलकम टू ग्रीन टाउन। तो मुझे पता नहीं था टाउन का नाम, अभी जाके मुझे ग्रीन टाउन का नाम अभी पता चला है, मैंने इसके पहले ध्यान नहीं दिया था उस नाम पे। सो वेलकम टू ग्रीन टाउन। और आज हमारे बिल्स भी अनपेड, लेकिन हम बिल्स पे करने से पहले कार खरीदना पसंद करेंगे नेबरहुड से, क्योंकि नेबरहुड में काफ़ी सस्ती कार हमें मिल जाती है। और ये कार थोड़ी सी अनस्टेबल है, अगर मैंने हाई स्पीड में मोड़ दी ना तो कार पलटी हो सकती है, देयर इज़ अ फुल चांसेस ऑफ पल्टी। ओके, तो सामने भी यही Audi Q7 है, लेकिन ये वाली कुछ ज़्यादा मेरे को रेसिंग किट लगी हुई है, फिक्स से लगता इसलिए कुछ ज़्यादा ट्यून्ड है। तो इस कार को भेज देते हैं सुधारने के लिए गैरेज में, हमने उसे गैरेज कर दिए, टो करवा के भेज दी समझ जाओ। और ये बंदे से पूछते हैं क्या रेट है इस कार का गाइस। लॉर्ड स्कोट क्लासिक नाम है ये। ये तो कुछ हमारे बजट के आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, मतलब बाहर है हमारे बजट के। Audi Q7 हो सकती है हमारे बजट में, तो पूछ लेते एक और, अगर अच्छी मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये डैमेज कुछ ज़्यादा है और प्राइस भी कुछ हाई है इसका। फिर भी हम ऑफ़र बना के देखते हैं, जितने हमारे पास पैसे उतने लगा देते हैं, $100 छोड़ के। ओके, तो आई डोंट थिंक ये मानने वाला है, तो हम इसे भी छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसी कार देखना है गाइस जो हमें 4000 के अंडर अंडर मिल जाए, तो डेफिनेटली वो बहुत चीप कार होंगी और हमें ज़्यादा प्रॉफिट बना के देने का चांस है नहीं उसका। लेकिन फिर भी एक ये कार भी लग रही है पुरानी सी, लेकिन ये सस्ती नहीं होंगी डेफिनेटली, क्योंकि ये कार काफ़ी महंगी होती है। ये देखो $16,000 की, ये भी मतलब ठीक ही रेट, मगर उस हिसाब से तो फिर भी काफ़ी महंगी है कार। और ये स्कोडा तो डेफिनेटली हमारे आउट ऑफ बजट ही होंगी, लेकिन फिर भी रेट पूछ लेते हैं इन बुड्ढी अम्मा से। इनके गाल पता नहीं कैसे हो गए काले काले, बहुत डरावनी लग रही है। तो ये भी हमारे बजट के बाहर गाइस, अभी हो चुके 10। और ओके, तो ये वाली कार लग रही मेरे को अपने बजट में, सुप्रा नहीं, ये वाली हमारे बजट में होंडा विविक वैसे सिविक होगा, 1908, अच्छा 1998 का मॉडल है, 34,168। चलिए, तो ये हमें $3,549 बोल रहा है, तो हम इसे 3000 का ऑफ़र बना के देख चुके हैं, लेकिन नहीं, ये वाला ऑफ़र इसे पसंद नहीं आया। तो 3200 का ऑफ़र हम दे के देखते गए इसे। ओके, तो ये वाला भी ऑफ़र ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो $3,290। ओके, तो ये बोल रहा है कि नहीं, मैं कुछ फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, बोले नेगोशिएशन कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा बोल रहा है इस प्राइस में। तो हमें डायरेक्ट बाय का ऑप्शन है, तो बाय कर सकते हैं। ओके,
ये कार ठीक है, एटलीस्ट एक तो कार लेकर जाएं हम घर, क्योंकि यहाँ पर बाकी की कारें काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही है मुझे, मतलब हमारे बजट के बाहर है फ़िलहाल 4,000 डॉलर की, तो इसलिए मैंने ये कार खरीद ली गाइस। इसे लेकर चलते हैं वापस उस साइड, बाकी सब महंगी कार थी, तो जिस रूट से आए थे हम उसी रूट से बाहर चलते हैं। ये भी ठीक है चलाने में, काफ़ी रफ कार है। ओके, तो रॉन्ग रूट चले गए, यहाँ से हमने टर्न लिया था इसके पहले, ग्रीन टाउन में आने से पहले लिया था टर्न, तो सीधा ले जाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। और ये हमने पहली वाली कार में इतना ड्रिफ्ट मारा है तो उसके निशान के बने हुए टायर के। ऑल राइट गाइस, तो अभी 12 बज चुके हैं, डील करने में हमारे 1 घंटा खा गया इससे, 11 बजे हमारी डील हुई और अब हम लेकर निकल चुके हैं कार को बड़ी स्टाइल के साथ ड्रिफ्ट मारते हुए। और ये है हमारा कंटेनर गाइस, ये कंटेनर भी हम चेंज करेंगे बहुत जल्दी, हमें घर लेना पड़ेगा यहाँ पर इस टाउन में, ग्रीन टाउन में। और ये है गाइस कार मार्केट प्लेस, यहाँ पर ये बेगर बैठा हुआ है। और ये है कार ऑक्शन प्लेस साइड में, और ये है कार रिपेयर शॉप, यहाँ पेंट जॉब भी होता है, कार रिपेयर भी होती है। और ये लास्ट टाइम हमने खरीदी थी BMW, वो यहीं खड़ी है। ऑडी Q7 भी हमारे पास, अब 3 कारें हो चुकी है गाइस जितने हमारे पास अमाउंट था, लेकिन हमें यहाँ पर पहले साफ़ सफाई करना पड़ेगा, ऑफिस खोलना है तो। ओके, तो ये कार डैमेज कुछ भी नहीं है, डर्टी है, फ्यूल भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है यूज़ के हिसाब से हमारे, तो पहले इसे कलेक्ट करके यहाँ से डाल देते ट्रैश में। ओके, तो थ्रो इट टू ट्रैश, और ये गाड़ी के ऊपर पता नहीं किसने फेंक दिया, गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है मुझे। और ये हमने बिल्कुल लाइट्स भी उसके ब्लैक करा के रखे हुए, ब्लैक लिए थे आई डोंट थिंक। अच्छा, उसके व्हील्स अच्छे नहीं है क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हमने व्हील्स चेंज नहीं किए थे BMW के, लेकिन फिर भी हमने सेल पे लगा के रखी हुई है, तो अब छोड़ देते हैं उसका, ऑफिस ओपन करते हैं। और ऑफिस ओपन करते ही हमारे पास फर्स्ट कस्टमर आ चुका है। ओके गाइस, तो ये कोक की बोतल पता नहीं कौन यहाँ पी पी के फेंक के चल जाता है हमारे ऑफिस में। ओके, तो पहले कस्टमर अटेंड कर लेते हैं, एक कोक की बोतल पड़ी वो बाद में फेंकेंगे। $18,000 हमने प्राइस डाला हुआ है, देखते हैं कितना ऑफर करती है, $11,777, तो बार्गेन करके हम कोशिश करते हैं कि $16,000 में तो आई डोंट थिंक मानने वाली है, क्योंकि ये मानेंगी $12,000 में, यस 12 या 12,500 में शायद मान जाए, लेकिन उतना डाउन प्राइस हम नहीं कर सकते फिलहाल, क्योंकि प्रॉफिट हमारा कुछ नहीं होगा उस कार पे, फिर हमने कुछ ली थी वो कम में बहुत। ओके, 10,037 में तो ली थी और 1,200 का हमने लगा दिया था पैसा, मतलब 11,000 की तो हमने खरीदी है समझ जाओ, अब 12,000 में 1,000 डॉलर के साथ थोड़ी बेचेंगे उसको, कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट होना में तभी तो कार का मतलब रहेगा। और गाइज, इसमें सुपर कार्स में काफ़ी प्रॉफिट होता है इस गेम में, तो चलिए पहले इसको क्लीन करवा लेता हूँ आई थिंक मैं, या क्लीन कराने से पहले हमें ऑडी Q7 को लगाना पड़ेगा सर्विस पे, तो पहले मैं उसे सर्विस पे चढ़ा देता हूँ, अदरवाइज वो खड़ी रहेंगी, ये बंदा काम नहीं करने वाला उस पर। दूसरी कार चढ़ गई यहाँ पे। ओके, तो रिपेयर कर दो गाइज, ये सिर्फ रिपेयर करेगा, पेंट के लिए हमें दूसरी शॉप में लेके जाना पड़ेगा उसे। ओके, तो इसका डर्टीनेस का काम था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको पेंट भी कर लूँ, ट्यूनिंग नहीं करते अभी, पेंट कर लेते हैं, क्योंकि इस कार से हमें रेस लगानी नहीं है गाइस, तो ट्यूनिंग करने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन पेंट कर लेते हैं क्योंकि वाइट वाइट पेंट हम उतना यूज़ करके है नहीं, तो अच्छा भी नहीं लगता वाइट पेंट में भी, तो इसे कर लेते हैं ब्लैक या मेरून या ऐसे कोई कलर। अच्छा, ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक ही ठीक है, पार्ट्स में हम कोई नहीं कर सकते, पॉलिश हम कर सकते हैं, मेटेलिक पन बढ़ा सकते हैं, लेकिन रहन देते हैं फालतू के पैसे, इस पे ज़्यादा नहीं खर्च करते, क्योंकि ये कार हमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट देती नहीं है गाइस, जितने में हमने खरीदी उतने में ही निकल जाए तो बहुत बड़ी बात रहती है, लेकिन इन कार्स में कुछ कम ही प्रॉफिट रहता है हमारा, इसलिए हम इसे डेली यूज़ में भी ले सकते हैं कार को, और अगर डेली अगर यूज़ करके कहीं पे भी फोड़ ठोक भी दें हम, तो उतना ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि हम यूज़ करते ही रह सकते इस कार को। लेकिन फिर भी हमारे पास अभी कोई मतलब निकालने के लिए है नहीं,
कार बेचने के लिए है नहीं, तो इसे हम यूज़ में नहीं रखेंगे, बट क्लीन करा के इसे भी जल्द से जल्द निकाल देते हैं, फिलहाल यूज़ के लिए नहीं लेते इसको भी। तो आ चुके गए हम कार वॉश में इसको लेकर, और यहीं फ्यूल स्टेशन भी है, तो इस बंदे को देते हैं पैसे, $50, ये क्लीन करेगा उसके बदले में कार को। ओके, हो चुके गए क्लीन, मैंने कुछ स्किप कर दिया था पार्ट क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है क्लीन करने में, और मैं रिवर्स लेके जा रहा हूँ, और हमने ठोक दी कार फाइनली, फर्स्ट डैमेज हमारा इस कार को। ओके, तो हम अब इसे रिपेयर पे लगाएंगे, ये बस इसी में टाइम हो जाता है गाइस हमारा पूरा दिन, और इसी में हो भी चुका है क्योंकि 5-6 बज चुका है समझ जाओ अभी, और इसका रिपेयर भी बचाइए काम, लेकिन रिपेयर पे सोच रहा हूँ बाद में लगाएंगे। लेकिन जो भी कार खड़ी है हमारे पास BMW, वो हो चुकी है काफ़ी गंदी, तो उसको मैं सोच रहा हूँ आज की आज निकाल दूँ, कम से कम एक कार तो सेल करें हम आज के दिन में। तो इस कार को मैं अंदर पार्क कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको बात कर लेते हैं इस कार की डील के लिए, क्या ऑफर दे रहे हैं। तो ऑलराइट, तो इसका ऑफर है 12,954 डॉलर, $18,000 नहीं देने को तैयार है कोई भी इस कार के, इससे गंदी है इसलिए नहीं देने को तैयार है, आई थिंक 51% डर्टी है वो। ओके, तो चली भी कमी है, तो इसका ऑफर हमें पसंद नहीं आया, तो डोंट सेल का ऑप्शन कर दिया हमने। ये कोट सूट पहन के आया, आई थिंक महंगे में मान ले, नहीं 12,991 की बोल रहा है ये, 15,000 का ऑफर दे के देखते हैं इसे क्या बोलता है। ये डेफिनेटली नहीं मानने वाला क्योंकि हमारी बार्गेन स्किल भी अभी अनलॉक नहीं हुई है, तो हम ज़्यादा बार्गेन नहीं कर सकते उनसे, 2 या 3 बार बार्गेन करो तो वो मानते नहीं है मेनली। अगर हमारी स्किल्स अनलॉक होगी बार्गेन वाली तो हम उनसे 4 और 5,000 बढ़ा के भी ले सकते एक ही बार में, लेकिन फ़िलहाल नहीं ले सकते, और ये तो कमी वाले थे, ये एक ही एक कार के लिए ज़्यादा आ रहे। अच्छा, हमने एक ही कार को सेल पे लगाया इसलिए, तो इससे पूछ लेते क्या रेट देने को तैयार है। इसके कपड़े कुछ अलग से लग रहे, एक हाथ अलग है एक हाथ अलग है। ओके, तो $14,000 इसे देख के देखते हैं प्राइस टैग, क्योंकि इसने 13,000 में बोला है और ये मान सकती है 13,500। ओके, तो मान गई आई थिंक, ओके मान गई, दोनों एक ही जैसे सिस्टर थी। ओके, तो अब इस कार को चढ़ा देते सेल पे, वैसे तो कार डैमेज है लेकिन फालतू में मैं इसे रिपेयर कराने में पैसे खर्च नहीं करने वाला हूँ, और उससे पहले मैं Q7 को भी उठा के लाना है हमें, तो इसे लगा देते पहले सेल पे आज की आज, वैसे तो निकलने वाली है नहीं आई थिंक ये आज की आज, क्योंकि देखो हो चुका है अंधेरा, $10,000 प्राइस डाला है। अच्छा, फ़ोटो भी लगाना बाकी था, फ़ोटो नहीं लगाई मैंने उसकी, और हमारे कुछ अनपेड बिल्स भी थे, यू हैव अनपेड बिल्स, हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा है बिल्स का, तो बिल्स पे कर देते हैं हम $2,044। ओके, तो पे कर दिए हमने बिल्स, और ये ब्लैक कार पहली वाली है और ये BMW थी, तो पहले अभी हमें इसे की फ़ोटो क्लिक करना पड़ेगा पहले। ओके, क्लिक सेव, और अब डाल देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमने डाल दिए होंडा सिविक को सेल के लिए, इसके हिसाब से होंडा वी सिक थी वो। एक कार हमने आज बेची, एक कार रिपेयर पे है, वो रिपेयर हो चुकी है, ऑडी Q7, और अभी उसे हमें लगाना पड़ेगा पेंट के लिए क्योंकि पेंट का भी काम बाकी था इस कार में। तो यहाँ पे तो सब क्लियर हो चुका है, बस पेंट का है डैमेज, तो क्लियर ही है गाड़ी का। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो बैक। ओके, तो बहुत ही आई थिंक ड्रिफ्ट किट लगी है इस कार में, इसलिए इतना ड्रिफ्ट मार रही है कार, ज़रा से भी टर्न लो या कुछ लो तो बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट मार लेती है कार। और डैमेज, हमने सामने ठोक दी कार, अब इसका फ्रंट बम्पर हो चुका है डैमेज, चेक करना पड़ेगा कितनी डैमेज हुई कार, 1% माइनर से डैमेज है लेकिन फिर भी हो चुकी है डैमेज, तो इसे वापस से रिपेयर पे लगाना पड़ेगा आई थिंक, या फिर पेंटिंग के लिए लगा देते हैं क्योंकि कल हमारे पास टाइम रहेगा नहीं,
इसे रिपेयर पे लगाने जाते जाते ही टाइम हो जाएगा। आज का एक दिन पूरा कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही जल्द। आज हमने कुछ ही नहीं किया, बस कार रिपेयर की, एक बार बस सही की, उसको भी मैंने क्लीन नहीं किया था, इस चक्कर में कम में गई वो। तो हमारा प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन बहुत कम प्रॉफिट हुआ उसमें। और लग गए तो मैं इसको रिपेयर पे लगा देता हूँ और चले जाता हूँ बस से घर अपने कंटेनर पे, और आते कल ऑफिस खोलने के लिए, देखते क्या होता है। ओके, तो गो टू कंटेनर, $10 की टिकट में पहुंच जाते हैं हम कंटेनर। फालतू में हमारा उससे ज़्यादा का नुकसान हो जाता है कार को लाए तो, क्योंकि लग जाती है कार अनस्टेबल होके। 7908 का हुआ है आज का प्रॉफिट, आज हमने 5592 डॉलर बस स्पेंड किया। ऑल दैट इज गुड मॉर्निंग। आज डे 9, ट्यूसडे है आज, और वीक 2 का सेकेंड डे, और हम पहुंच चुके अपने ऑफिस। ओके, तो कार मार्केट प्लेस आज ओपन है गाइस, हमारे पास पैसे भी अच्छे खासे, तो कार मार्केट प्लेस आज जाएंगे, ज़रूर विज़िट करेंगे वहाँ पे। उसके पहले यहाँ पर ऑफिस खोल लेते और इस कार को सेल पे लगाए तो बेच देते वो। ओपन ऑफिस, और आते से कचरा हमें पहले क्लीन करना पड़ता है। ये कल कस्टमर आए थे, आई थिंक उन्होंने फेंका यहाँ पर आके, कोक बॉटल पीते रहते हैं यहाँ पर आके, बताओ यार, कोई मेला समझ के रखा है इन्होंने। ऑल राइट गाइस, तो सामने हमारी ऑडी Q7 है, उसको रिपेयर करना पड़ेगा, तो उसको रिपेयर पे चढ़ाते हैं। अभी सुबह के 8 ही बज रहे, तो कुछ 12-1-2 बजे जाएंगे हम वहाँ पर कार मार्केट प्लेस में। तब तक के आई थिंक एक ना एक कार तो बिक जाएंगी हमारी। ऑल दैट गाइस, तो पहले चलते जंक यार्ड में, जितना पैसा हमने अभी इसको दिया है रिपेयर के लिए उतना पैसा वापस कमाने, तो पहले इसका भी कचरा साफ करना पड़ेगा हमें। कलेक्ट द ट्रैश, ओके, जितना ट्रैश हम कलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से वो हमें पैसा देगा। और ये स्टीयरिंग व्हील कुछ ज़्यादा ही मुझे यहाँ लग रहा है कारों के, तो इन सबको कलेक्ट करके हमें देना पड़ेगा इसको। ओके, तो और कुछ बचा नहीं है गैस, और ये बंदा खड़े खड़े बस रहता है यहाँ पर। $120 हो चुके हैं, उसने $120 दिए हमें, प्रॉब्ली हमारा $140 हमने दिए थे, $20 का बस नुकसान हुआ है, बाकी तो ठीक है। अब इसे स्टार्ट करते हैं और लगा देते हैं पेंटिंग के लिए। 9 बज गए अभी इतने जल्दी, 1 घंटा हमने जंक यार्ड में ही बिता दिया, तो बहुत जल्दी जल्दी टाइम होता है गाइस। तो कार को हमें ज़्यादा रिपेयर करने का और कुछ करने का टाइम मिलता नहीं है, और ये देखो मैंने फिर से ठोक दी सामने। ऑल राइट गाइस, तो कार का पेंट करते हैं ब्लैक, आई लाइक ब्लैक, वैसे भी ये कारें कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है ब्लैक में। वाइट कलर इस पर सूट करेगा नहीं, और दूसरे कलर मैं ट्राई कर चुका हूँ इस पर, लेकिन वो भी कलर कुछ खास अच्छे नहीं लगते। ओके, तो इस कार का हो चुका है पूरा काम, अब इसे डायरेक्ट सेल पे लगाना बाकी है। वैसे तो ड्रिफ्ट किट लगी हुई है, इसके अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं हम, और कस्टमर्स आके खड़े हुए हैं उस कार के लिए। उससे पहले इस कार को भी आराम से पार्क तो कर दूँ मैं यहाँ पर, कस्टमर अटेंड करना पड़ेगा। और बाउंड्री से एकदम टच करके लगा दी है मैंने कार, उतरने की बस जगह छोड़ी थी। ओके, तो ये बंदा तो मेरे को 10,000 देने वाला है नहीं इस कार के, 2703 डॉलर दे रहा है, जबकि हमने 3549 डॉलर में खरीदी थी। तो कार हमें महंगी पड़ गई गाइस, ये ऊपर से डैमेज भी हो गई है, क्योंकि पीछे लग गई थी हमारी जब हमने रिवर्स किया वॉशिंग के बाद, तो उस हिसाब से कुछ डैमेज भी है 2% किया अराउंड। तो आई डोंट थिंक ये मानने वाले कस्टमर्स, हाई प्राइस देने को तैयार नहीं है, इसलिए चले गए वो। ये देखो हमारे पास बार बार बियर आ जाती है हाथ में। ओके, तो फोटो क्लिक करके ऑडी Q7 को भी लगा देते हैं सेल पे, क्योंकि ऑडी Q7 एकदम अच्छी है अभी फिलहाल, अभी हमने रिपेयर करा के लाई है, बस डर्टनेस होंगी इस कार की भी थोड़ी बहुत। 2005 का मॉडल है, और
ये लगा दी हमने सेल पे, ऑडी क्यू सेवन लिखना बाकी है यहाँ पर, ऑडी क्यू सेवन। ओके, और इसका मैं डालता हूँ रेट 15,000 डॉलर। ओके, मॉडल पुराना था इसलिए हमने ज़्यादा रेट नहीं लगाया इसका, लेकिन ठीक है, अब हमारे पास कोई काम बचा नहीं है। तो कस्टमर इज़ इन द ऑफिस, सेव करते गेम को। कहाँ है कस्टमर हमारा ऑफिस में? अच्छा, द काम कस्टमर इज इन द ऑफिस। ऑल राइट गाइस, पहले बियर पी लेते हैं, कस्टमर अभी हमारे सामने ही आ रहा है। ओके, ड्रिंक बियर। हमने काफ़ी बियर लेके रखी है गाइस, इस गेम में भी हमने रेड बार गए थे वहाँ से उठा के ला ली थी ढेर सारी, तो हमारे पास ही रहती है डेली की। अब एक तो पी लेते हैं कम से कम, दिन में भी चढ़ा के चलते हैं। ओके, अब डील भी अच्छी मिलेंगी तो एक ही चढ़ाते हैं आज का। आज का कोटा पूरा हुआ और ये हमें चक्कर भी आना चालू हो चुके हैं, नशा चढ़ चुका है बियर का। ऑल राइट गाइस, तो इससे पूछते कितना हमें प्राइस ऑफर करेंगी हमारी कार के लिए। 3,395 डॉलर, जबकि हमने 3,500 समथिंग में ली ये कार है, मतलब नुकसान में तो हमें बेचने पड़ेंगे गाइस अगर ये नहीं बिकी आज तो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसके 5,000 डॉलर तक भी देने को तैयार रहेगा। तो फिलहाल डोंट सेल कर देते हैं। पहले मैं सोच रहा हूँ ऑडी क्यू सेवन को निकाल दूँ क्योंकि उसमें हमें प्रॉफिट होगा, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का चांस कम है, तो डोंट सेल कर देते इसको। और इससे पूछते हैं ये कितना ऑफर करेंगे हमें रेट। 3,511, ये उससे ज़्यादा ऑफर कर रही है फिलहाल हमें, ये दे सकती है 4,000 डॉलर अगर हम मांगे तो। 4,500 ऑफर करते, लेकिन पहले आई डोंट थिंक कि 500 डॉलर भी बढ़ाएंगी ये, लेकिन 4,200 आई टेक अ मिनट, नो डोंट सेल कर दिया हमने। इस बंदे से पूछ लेते हैं क्या ऑफर दे रहा है हमें। 3,452, इससे ज़्यादा तो वो दे रही थी, लेकिन बार्गेन कर सकते हैं हम इससे 4,500 सेम प्राइस ऑफर करते, क्योंकि इसमें हमने कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर दिया गाइस, इसलिए 4,000 एटलीस्ट हमें 200 या 100 डॉलर का तो प्रॉफिट बनानी पड़ेगा इसमें। 4,200 डॉलर नहीं, आई डोंट थिंक कोई लेने वाला है इसको। तो पहले मैं चलता हूँ सारे कस्टमर अटेंड करते, फिर ऑडी क्यू सेवन की ओर चलेंगे, उसके लिए अभी एक भी कस्टमर नहीं आया है ना, सब इसके लिए आ रहे हैं 3,000 का ऑफर लेकर, और बार्गेन हम एक हर एक से कर चुके हैं। 4,000 डॉलर मानती है कि नहीं? आई डोंट थिंक सो, नहीं ये डॉलर भी नहीं मांगी, मतलब ये भी नहीं मानी, एक डॉलर भी बढ़ाने को तैयार नहीं रहते हैं लोग बाग। मैंने कहा था सस्ती कार को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उस पर प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत ही कम रहती है हमारे लिए, तो एक्सपेंसिव कार ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल कहलाती है हमारे लिए। ओके, तो इससे पूछ लेते हैं लास्ट कस्टमर इस कार के लिए फिलहाल। 3,000 कितना, 925 बोल देगा, 4,000 डॉलर, 525 बोल रहा है। आई थिंक अभी सेल नहीं करते हम फिलहाल। अच्छा, उसके लिए आ गया है कस्टमर फाइनली, ये लास्ट कस्टमर था उस गाड़ी के लिए, और इसको 15,000 में बोला है हमने, 10,770 बोल रहा है। बार्गेन करके अगर 12,000 में निकाल दे तो ऑफर करते हैं 12,000, 10,700 कुड गो अ लिटिल बिट मोर, 11,500, 500 डॉलर कम। ओके, तो 500 डॉलर हमने कम किए उसमें, तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया उसमें भी, ऑडी क्यू सेवन में। और आज मार्केट प्लेस के लिए हमें लेट हो रहा है गाइस, 4 बज चुके हैं, और ये कार सेल करते हैं जल्दी से जो भी रेट आए,
वैसे तो कम में नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए इस कार में। लोअर बिट 3,500, जितने में लाई उससे कम में निकल दी अभी। ओके, मतलब लॉस हुआ हमें जितना हमने रिपेयर किया था उसका, मतलब जितने लगाए थे पैसे उतने का लॉस हुआ फिलहाल उस कार में हमें। लेकिन चलते गए इस कार मार्केट प्लेस में, अभी आज जाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास एक भी कार बची नहीं है फिलहाल। तो कार मार्केट प्लेस में पहुँच चुके गए इस, और अभी बज रहे 4, अच्छा 5 बज गया। हमें एक ना एक कार तो यहाँ से लेकर ही जाना पड़ेगा आज, तो देखते कौन सी कार आएगी। डॉट चार्जर है, मस्टैंग है, फरारी है, सुपरा है, Q7 है। ओके, तो इसको पहले पूछ लेते हैं क्या ऑफर दे रहा है मस्टैंग का। 27,286 डॉलर, बारगेन करके देखते हैं 24,000 डॉलर। सबसे कम ही हमें ऑफर करना है क्योंकि हमारे पास भी क्लाइंट आता है तो पहले कम ही ऑफर करता है हमें, उसके बाद हमें बढ़ाना पड़ता है थोड़ा बहुत अमाउंट, तब जाके वो मानता है। और इसके व्हील्स तो मेरे को पुराने लग रहे हैं स्टैंडर्ड। ओके, तो पहले इसका रेट पूछ लेते हैं। ये है ले फरारी, अच्छा लेरारी, मतलब फरारी का लेरारी, F430 थी वो आई थिंक। और ये है चार्जर डॉज की, ये 28% डैमेज है, तो इसका रेट 28,000 समथिंग बोल रहा है वो। इसको भी सेम रेट ऑफर करके देखते हैं। हालांकि दोनों में, मतलब चार्जर और इसमें मस्टैंग में, इंजन का फ़र्क है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि चार्जर में 6.2 लीटर हेमी V8 आता है और उसमें आता है 5 लीटर V8, और दोनों ही मस्कल कार्स है। हालांकि ये वाली बड़ी है आई थिंक उससे, मस्टैंग से। मस्टैंग हमें ख़रीदना पड़ेगा, रेट ऑफ़र करके देखते हैं, अगर मान गया तो ठीक, नहीं तो 6:30 हो चुका है, अंधेरा होने में ही है जल्दी। तो 25,000 ऑफर करके देखते हैं इस बार। हम इनसे ज़्यादा बार्गेन नहीं कर सकते क्योंकि ये, इसने हमें ऑप्शन या तो खरीदने का देता है या तो जाने का। आई डोंट हैव मच फ्लेक्सिबिलिटी विद द प्राइस। लुक एट द कार, कार तो काफ़ी अच्छी है, हमें खरीदना है ये कैसे न कैसे करके, लेकिन ये नेगोशिएट करने को तैयार नहीं है अब प्राइस में, और हमारे पास उतना प्राइस है ही नहीं। आज हम 1,000 डॉलर से रह गए गाइस, अदरवाइज हम मस्टैंग लेके ही जाते घर। तो ऑडी Q7 भी ले जा सकते हैं, लेकिन ऑडी Q7 नहीं ले जाएंगे। चार्जर के लिए एक और बार बार्गेन कर लेते, हमारे पास ऑप्शन है आई थिंक बार्गेन का। जितना अमाउंट है हमारे पास उतना ऑफर करके देखते हैं, 26,000 डॉलर, मान गया तो ठीक, अदरवाइज दूसरी कार देखना पड़ेगा हमें। ओके, तो चार्जर का भी नहीं मान रहा है गाइस, तो अब हमें दूसरी कार देखना पड़ेगा। और ये कार लग रही है मुझे कि हम बाय कर सकते हैं आज, लॉर्ड की, और Q7 तो एब्सोल्युटली बाय कर ही सकते हैं। 12,000 डॉलर, ऐसी सस्ती कारें हम ज़्यादा ले जा सकते हैं यहाँ से खरीद के। और ये है 1879 का मॉडल। ऑल राइट गाइस, तो हमने फाइनली एक कार खरीद ली और सब चले गए घर, तो अब हमें इस कार को लेकर भी जाना चाहिए यहाँ से। मार्केट प्लेस हो चुकी है क्लोज आज, तो लेकर चलते इसे सीधा। ये भी डैमेज थी आई थिंक कार थोड़ी बहुत, तो इसको पहले टेस्ट ड्राइव लेते हुए चलते इस कार से। पीछे के सस्पेंशन आई थिंक इसके डाउन करके रखे हुए हैं, इसलिए टायर एकदम फिक्स में लग रहे हैं। और ये ऑफिस है हमारा, और ये कार रिपेयर शॉप, ब्रेकिंग हार्ड। ओके, यहाँ हमने हार्ड ब्रेक मारा, ड्रिफ्ट करते हुए कार पहुँच गई वहाँ पर। ऑफिस करना पड़ेगा क्लोज, ऑफिस हमारा अंदर से काफ़ी बड़ा है, सामने सिर्फ 2-3 कारों की जगह बस है पार्क करने की। ओके, तो ये है डैमेज, और पेंटेड की भी बचा है काम, तो इस कार को हमें भेजना पड़ेगा रिपेयर शॉप में। भेज दी हमने, एक भी कार बची नहीं है हमारे पास अब, मतलब एक कार ये वाली बस है, बाकी 3 कारें आज की आज निकाल दी हमने।
ऑल राइट गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं कंटेनर पे। आज है डे 9, ट्यूसडे, तो चलते सोने के लिए। ओके, तो आज है 2,100 डॉलर का प्रॉफिट। ऑल राइट गाइस, गुड मॉर्निंग। वेडनेसडे है आज और डे 10 है आज, और आज ऑक्शन भी हो सकता है। बोले 3 बजे का ऑक्शन है। ऑफिस हमारा गंदा है तो पहले चलते हैं ऑफिस ही सीधा, या नेबरहुड चले, ऑफिस चलते हैं, क्योंकि आज ऑक्शन है तो हम ऑक्शन में खरीद लेंगे बाकी कारें, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे तो बचे हैं हमारे पास कार खरीदने के लिए भी। तो पहले चलते हैं और इस कार को रिपेयर पे लगाते हैं, फिर जंक यार्ड चलेंगे। इस कार से आज हम सोच रहे ड्रग रेस भी कर ले थोड़ी बहुत, तो ड्रग रेसिंग से भी काफ़ी पैसे हम अर्न कर सकते हैं। तो मैंने इसे दे दिए पैसे, रिपेयर करेगा तब तक हम जंक यार्ड से मिल के आ जाते हैं इस बंदे से, उसके जंक यार्ड की थोड़ी साफ सफाई कर देते हैं। ओके, ये ड्रेस उठा के उसी को दे देते हैं, तो वो हमें पैसे देता है। बस खड़े रहना है उसको, और कुछ नहीं करना, और कचरा फैलाते रहता है बाकी हर टाइम पे। ये स्मॉल कचरा कलेक्ट करने में बहुत आफत होती है, बट ठीक है, ये स्मॉल पार्ट्स हैं कार्स के, और सब उठा उठा के दे देते हैं इसे, तो एटलीस्ट हमारी कार का रिपेयर का खर्चा निकल जाएगा, अदरवाइज कार वॉशिंग का खर्चा निकल जाएगा। छोटे मोटे खर्चे निकाल लेना पड़ता है ऐसी जंक यार्ड से काम करके हमें। ये ऑप्शन हमारे लिए अच्छा है जंक यार्ड का, कि हमारे पास कुछ भी अगर पैसे नहीं है, अगर हमने फुल स्पेंड कर दी कार खरीदने में जितने पैसे हमारे पास है, उसके बाद भी हमें अगर कार रिपेयर करना है तो पहले जंक यार्ड में आ जाओ, इसको थोड़ा बहुत ट्रेस दे दो, तो कुछ ना कुछ पैसे हमें दे देंगे। ये 180 डॉलर दिए इसने अभी हमें, इतने में तो मतलब रिपेयर की कुछ छोटा मोटा काम तो हो ही जाएगा कार का। तो ओके, तो ये कार हो चुकी है रिपेयर, अब पेंट की काम बचा है इस कार में। ओके, मैंने जैसे कहा था पेंट का काम बचा है, तो पेंट कराना बहुत इम्पोर्टेंट है इस कार में। तो पहले बैठते कार में, ऑप्शन नहीं आ रहा बैठने का। ओके, तो सेट इन द कार, तो इसे पेंट करके सोच रहा हूँ चलते ड्रैग रेसिंग के लिए पहले, लेकिन इसमें नॉस घी लगाना पड़ेगा हमें। पेंट का वैसे ज़्यादा कुछ ज़्यादा काम नहीं है, पेंट बहुत जल्दी करता है बंदा ही, बाकी रिपेयर में ही ज़्यादा टाइम लगता है हमें। बाकी ट्यूनिंग भी ठीक ही है, हमें रह के कराना पड़ता है ट्यूनिंग ही के लिए भी। और ये ठीक है कलर, 300 डॉलर। ओके, तो 300 डॉलर में हमने पेंट करा लिया गाइस। अब लेकर चलते इसको वापस ट्यूनिंग के लिए, ट्यूनिंग शॉप में, क्योंकि आज हम इससे करने वाले ड्रैग रेस, और देखते इस कार से जीतते हैं कि नहीं। छोटी सी कार है तो आई थिंक जीतना तो चाहिए हमें। ये किसी ने और चिपका दी कार, कोई और क्लाइंट आ गया लगता है इसके पास, वो कर भी नहीं रहा है काम फिलहाल। ओके, तो गई कार फाइनली, अब इसको लगाते हैं हम कार को। पहले भी अच्छे मॉडल्स आते थे यार कार में। ओके, तो इसमें TCS इंस्टॉल नहीं हो सकता, ESP इंस्टॉल नहीं हो सकता, तो रेसिंग किट हम इंस्टॉल कर देते हैं, टर्बो और नॉस इंस्टॉल कर देते हैं, और ड्रिफ्ट किट तो रहने देते हैं। सस्पेंशन फुल डाउन, क्योंकि हम ड्रैग रेसिंग करने वाले, इससे तो फुल डाउन सस्पेंशन ही चलेंगे। अभी बज रहे हैं 11, और इसे हम लेकर निकलते हैं आज ड्रैग रेसिंग के लिए। तो ऑफिस इज डर्टी, तो पहले ऑफिस क्लीन कर दूँ क्या? ऑफिस क्लीन करते जाऊँ कि ड्रैग रेसिंग करने के बाद आके क्लीन करूँ? ठीक है, पहले क्लीन कर देते हैं ऑफिस एटलीस्ट। ओके, तो ये कोक की बोतल फेंको, ये भी कोक की बोतल है फेंको, और ऑफिस करते हैं ओपन। ओके, तो स्किल्स पॉइंट अभी हमें मिला नहीं कुछ, हमें कलेक्ट करना है स्किल्स पॉइंट, लेकिन इस कार को अभी हम सेल पे नहीं लगाएंगे, लेकर चलते इसे। ऑक्शन है आज 3 बजे, लेकिन अटेंड कर पाएंगे या नहीं आई डोंट नो, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि ऑक्शन में बिडिंग कर सके। 4 कारें बस आती है, वो भी हाई डिमांड में जाती है, मतलब हाईएस्ट बिडिंग लगती है उनमें,
ऑल राइट गाइस, तो हमने इसमें रेसिंग किट क्या लगाई, तो फ्लेम छोड़ना चालू कर दी गाड़ी ने, और इसमें टर्बो भी लगी है हमने। ऑल राइट गाइस, तो हमारा चार्जर के साथ होगा आई थिंक आज कॉम्पिटिशन, चार्जर वर्सेस दिस द ओल्ड मॉडल काफ़ी। और चार्जर तो मुझे लग रहा है कुछ नई सी गाड़ी है यार, आज हम शायद हार सकते हैं डेफिनेटली, आई थिंक सो। मतलब मैं डीमोटिवेट नहीं होना है, अगर हम अच्छे से परफॉर्म करें तो जीत भी सकते हैं, क्योंकि ये कार भी ट्यून्ड है काफ़ी, टर्बो भी लगा दिए हमने, रेसिंग किट भी लगा दिए। स्टार्ट द इंजन, ओके स्टार्ट किया इंजन, माउस भी लगा हुआ है हमारी कार में, एक्सीलेटर देते हैं और गियर भी हमारे हाथ में ही है। ओके, तो रेस कुछ स्टार्ट होने वाली है गाइस थोड़ी देर में, और ये स्टार्ट फुल थ्रॉटल देना है और गियर अप। और नो, इसने नॉस दे दी, हमने नॉस दी, हमारा नॉस थोड़ा लेट वर्क हुआ। ऑल राइट गाइस, हम 649 का लॉस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वापस चलते इस कार को लेकर।